जिस प्रकार से आपके एजेंडे जिस आधार पर हमने आपसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की योगी जी के नेतृत्व में उसे At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। सीतापुर संसदीय सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की आज विशाल रैली हुई है, और उस रैली में मंच के साक्षी बने हैं सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी। इस बार जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि सेवता ऐसी विधानसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, तो राजेश वर्मा के लिए सेवता से क्या आप देना चाहते हैं तोहफा? देखिए, मैंने श्री राजेश वर्मा जी को 25 दिसंबर 2022 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के ऊपर मैंने मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम का बनाया था आज से 1.5 साल पहले, और मैंने इनसे कहा था कि मैंने 2022 के चुनाव में एक नारा दिया था, अब की बार 1.5 लाख पार वो नारा था, लेकिन आज हम अटल जी के जन्मदिवस के ऊपर ये संकल्प ले रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने के लिए अनवरत काम करते रहते हैं। ये संकल्प हमारा 1.5 वर्ष पहले का था, और आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और बाबा जगन्नाथ जी की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ, मुझे दिख रहा है। मुझे सेवता वासियों पे पूर्ण विश्वास है। श्री राजेश वर्मा जी को सेवता विधानसभा से मैं 1 लाख वोटों से इनको जितवा के भेजूंगा और 1.5 लाख पार करूंगा। सिर्फ मेरा फोकस ये है कि हमारा वोट प्रतिशत 70%, जैसे हम जब चुनाव लड़े थे तो 71% गया था वोट, सबसे अधिक पोल हुआ था। इस बार और अगर हम थोड़ा बढ़ा ले गए तो हम 1.5 लाख पार भी हो जाएंगे, और राजेश वर्मा जी 1 लाख वोटों से जीत करके सेवता विधानसभा से आएंगे। एक चीज़ बताइए कि पहला चुनाव ऐसा होगा कि राजेश वर्मा के मुकाबले दोनों भारतीय जनता पार्टी से आए हुए पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं डेंट लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को या कुछ करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं किसी कैंडिडेट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस वालों के पास, सपा वालों के पास, बसपा वालों के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जब कोई कैंडिडेट नहीं होता है, कुछ लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ जाते हैं जिनको लड़ने की आदत है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हमने लड़ाई लड़ी है, रोड नहीं बनी उसकी लड़ाई लड़ी, आवास नहीं गरीब को उसकी हमने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने बाढ़ को लेकर के बाढ़ मुक्त आंदोलन चलाया, बाढ़ की लड़ाई लड़ी, हम लोग विकास की लड़ाई लड़ते हैं। मोदी जी की सरकार जो अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये बनी हुई खड़ी हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही न बनती, जनसंघ ही न बनता, देश की समस्याओं को लेकर के। जो समस्याएँ होती हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल है समस्या, समस्या को लेकर के संकल्प, संकल्प को लेकर के संघर्ष, और संघर्ष के बाद जब जनता मुझे सत्ता देती है हम उसका समाधान करते हैं। आपने एक बात कही, लड़ाकू विमान की संज्ञा दी, तो लड़ाकू विमान और जिताऊ विमान के बीच मुकाबला है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छी तरीके, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा कि 70% वोट राजेश वर्मा जी को मिलेंगे, 30% में सब चले जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा, आज आप बांध लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं होना। सेवता विधानसभा में 70% वोट राजेश वर्मा जी को मिलेगा जो भी पोल होगा, और उसका 30% में सपा, बसपा, कांग्रेस जितने भी हैं। मेरे सामने 2017 में चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, वो सिम्बल था साइकिल का, उस साइकिल के सिम्बल पे मात्र 40,000 वोट पाए थे, ठीक है। बसपा 19 में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, उसमें श्री राजेश वर्मा जी 1 लाख वोटों से जीते सीतापुर लोकसभा। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, मैं जो 40 का आंकड़ा है 17 का, चूँकि तब से अब वोट में थोड़ा अंतर है, तो 2-4-5 हज़ार और प्लस माइनस जाएगा, फिलहाल 50 के ऊपर वो नहीं निकल पाएंगे, हम 1.5 लाख पार हैं ऐसा विश्वास है। बस अर्थ हमें वोट प्रतिशत बढ़ाना है, और आप जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप स्वयं और आपका चैनल है पूरे ज़िले में, आप खुद सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनता हमारे पे विश्वास करती है, और अगर देश की गारंटी मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश की गारंटी योगी जी हैं,
सीतापुर की गारंटी राजेश वर्मा है, तो सेवता विधानसभा की गारंटी चौकीदार ज्ञान तिवारी हैं। उस चौकीदार पे जनता ने विश्वास किया है। मैं सबसे अधिक वोट से जीत के आया था 2022 में भी, और राजेश वर्मा जी को भी ये संकल्प है कि सबसे अधिक वोट से जिता करके मैं लोकसभा भेजने का काम करूंगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, चौकीदार ज्ञान तिवारी एक दावा है इनका कि सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा जीतेंगे तो वो है सेवता विधानसभा सीट। इनका कहना है चूंकि मुकाबले में कोई नहीं है और 70% मतदान जो मतदान का प्रतिशत होगा वो राजेश वर्मा के पक्ष में जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें रहेंगी परिणाम पर, लेकिन आज के बाद यानी गृह मंत्री की सभा के बाद भाजपा के लोगों में जरूर आज से बम बम हुआ है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अरुण कुमार सिंह और कैमरामैन 7 तारीख को जी 7 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हम सबके संरक्षक हैं, माननीय अमित शाह जी भी हम सबके संरक्षक हैं, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनसे भी बात हुई है 7 तारीख को। वो अभी उनका वो कार्यक्रम नहीं आया है, उसमें भी मैं सादर आमंत्रित आप सभी लोगों करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 7 तारीख को वही 3 बजे के आसपास, 2 से 3 के बीच का समय हमें मिल रहा है, तो उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और आप जब पिछले चुनाव में भी हमारे आए थे तो आप लोग जो आकलन कर रहे थे वही सही निकला, और जो आज कह रहे हैं यही सही है, और सही समय भी है और सही जगह भी है, और मोदी ही मोदी होगा और 400 पार होगा, और राजेश वर्मा भी 1.5 लाख पार जाएंगे सेवता विधानसभा से, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, देखिए मोदी ही मोदी होगा। और आपको बता दें कि अमित शाह की सभा के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सेवता में तैयारियां चल रही हैं। संभावित दौरा 7 मई को है, विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ करके एक मंथन जो है, एक चिंतन जो है, एक रणनीति जो है उसको आप तैयार कर चुके हैं। तो इस बार मोदी ही मोदी होगा, ये कहना है ज्ञान तिवारी का। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अरुण कुमार सिंह, कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।